30 मई से क्रिकेट विश्व कप शुरू हो रहा है। 30 मई से 15 जुलाई तक खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट के बाद एक नया चैंपियन दुनिया को मिल जाएगा। विश्व कप के राइट्स आईसीसी ने 13,000 करोड़ रुपए में बेचे हैं। साथ ही इस बार विश्व कप जीतने वाली टीम की इनामी राशि भी बढ़ा दी गई है। लेकिन दुनिया भर में तेजी से अपने पैर पसार रहे क्रिकेट की तुलना फुटबॉल से होती रही है। लेकिन अगर साफ शब्दों में कहें तो पैसे, खेल की पहुंच, दर्शकों की संख्या और कमाई के मामले में क्रिकेट फुटबॉल के सामने कहीं नहीं दिखता, या यूं कहें कि नन्हा सा बच्चा है। क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत 1975 में पहली बार हुई थी, जिसके बाद अब तक कुल 11 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेले जा चुके हैं। तो वहीं पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 में खेला गया था, यानी क्रिकेट वर्ल्ड कप से 45 साल पहले। अगर क्रिकेट खेलने वाले देशों की बात की जाए तो सामने आता है कि इसकी पहुंच मुख्यतः रूप से दक्षिण एशियाई, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान और अफ्रीकी देश दक्षिण अफ्रीका, केन्या, जिम्बाब्वे में ज्यादा है। इसके अलावा यूरोप में केवल इंग्लैंड, दक्षिण अमेरिका से वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बड़े देश भी इसमें शामिल हैं। हालांकि कनाडा, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग, नेपाल में भी क्रिकेट की दीवानगी बढ़ी है। हालांकि ये देश अभी भी पहचान बनाने के लिए लड़ रहे हैं। तो वही पिछले साल रूस में हुए फीफा वर्ल्ड कप में 32 टीमें शामिल हुई थी। वर्ल्ड कप का टिकट कटाने के लिए 211 देशों ने फीफा में अर्जी दी थी। तो लोगों की पहुंच के मामले में भी फुटबॉल क्रिकेट से कहीं ज्यादा है। अगर नजर डालें फुटबॉल और क्रिकेट वर्ल्ड कप में मिलने वाली प्राइज मनी पर, तो इस बार आईसीसी ने प्राइज मनी बढ़ाई है और जीतने वाली टीम को 28 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं 2018 का फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाली फ्रांस की टीम को 69 करोड़ रुपए की रकम मिली थी। दर्शकों की बात की जाए तो फुटबॉल और क्रिकेट में जमीन आसमान का अंतर है। रूस में खेले गए वर्ल्ड कप 2018 को 350 करोड़ यानी लगभग आधी दुनिया ने देखा था। लगभग 200 ब्रॉडकास्टर के जरिए इसका प्रसारण दुनिया के सभी देशों में होता है। वहीं क्रिकेट के प्रसारण अधिकार काफी कम होते हैं और इसकी पहुंच भी सीमित होती है। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में हुए 2015 के विश्व कप को 105 करोड़ लोगों ने देखा था। आईसीसी ने अपने टूर्नामेंट के प्रसारण के अधिकार 13,000 करोड़ रुपए में बेचे हैं। खबरें हैं कि इस वर्ल्ड कप से स्टार 1,000 करोड़ रुपए की कमाई करेगा। कमाई के मामले में फुटबॉल के सामने क्रिकेट कहीं नहीं टिकता। क्रिकेट वर्ल्ड कप की तुलना में फुटबॉल वर्ल्ड कप 100 गुना ज्यादा कमाई करता है। फीफा ने पिछले वर्ल्ड कप से 40,000 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो वहीं आईसीसी को 2015 वर्ल्ड कप से 300 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। तो देखा आपने, बेशक आज क्रिकेट की दीवानगी लोगों को सिर चढ़कर बोल रही है, लेकिन अगर फुटबॉल से तुलना करें तो क्रिकेट पैसा, फैन और कमाई के मामले में फुटबॉल के सामने कहीं नहीं टिकता।